हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसएस मेमोरियल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज मैं साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ जो क्लास वन के लिए है, चैप्टर टू, जिसका नाम है आवर नेबरहुड, मतलब हमारा अड़ोस पड़ोस। चलिए अब देखते हैं हमारा चैप्टर क्या कह रहा है। नेबरहुड मीन्स द एरिया और प्लेस द सराउंड समवंस होम और पीपल हु लिव्स इन दिस एरिया। हम जहाँ पर रहते हैं, जिस स्थान पर रहते हैं, उसके चारों जो घर है या वहां पर जो लोग रहते हैं, वो सारा एरिया को हम क्या कहते हैं, नेबरहुड कहते हैं। ठीक है, हमारे आस पड़ोस कहते हैं। दिस पीपल हु लिव इन द नेबरहुड आर कॉल्ड नेबर। हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग निवास करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नेबर्स कहते हैं, पड़ोसी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लें होम्स, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल, ईटीसी। ये सारी चीजें हमारे आस पड़ोस में पाई जा सकती है। द फैमिलीज इन द नेबरहुड हेल्प ईच अदर। द फैमिलीज इन द नेबरहुड शेयर थिंग्स। दे फील सेफ बिकॉज दे लिव नियर अदर फैमिलीज। देखिए, हमारे आस पड़ोस में जितने भी फैमिलीज रहते हैं, उसके साथ हमारा रिश्ता बड़ा अच्छा होना चाहिए और होता भी है। उसके साथ क्या होता है, तो हम कुछ सहायता दे सकते हैं, उससे कुछ सहायता ले सकते हैं, उसको कुछ वस्तु दे सकते हैं, उससे कुछ वस्तु हम ले सकते हैं। ठीक है, और हम अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे फैमिलीज रहते हैं। द पीपल इन आवर नेबरहुड डू डिफरेंट जॉब्स, सम स्टे इन नेबरहुड टू वर्क, सम ट्रेवल टू अदर प्लेस टू गो देयर जॉब। हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग रहते हैं, वो अलग अलग तरह के काम करते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं हमारे आस पड़ोस में जो घर पे रह करके काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अलग अलग जगहों पर अलग अलग कामों से उनका आना जाना लगा रहता है। प्लेस इन आवर नेबरहुड, हमारे आस पड़ोस में कौन कौन सी चीजें हो सकती है, कौन कौन से स्थान हो सकते हैं। पहला स्कूल, मतलब स्कूल विद्यालय। देयर आर स्कूल इन आवर नेबरहुड, वी गो टू स्कूल टू गेट गुड एजुकेशन। देखिए, हमारे आस पड़ोस में जो स्कूल होता है, ठीक है, उस स्कूल में हम क्यों जाते हैं, वहां पर हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, अच्छे नॉलेज के लिए जाते हैं। चिल्ड्रंस एंड पेरेंट्स ऑफ द नेबरहुड मीट टुगेदर एट स्कूल फंक्शन एंड मीटिंग। वहां पर बच्चे और माता पिता के साथ साथ जो है, सो आस पड़ोस के लोग जितने आते हैं, आस पड़ोस के बच्चे आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, तो सारे लोग उनका स्कूल के अंदर में है, सो भेंट होता है, मुलाकात होती है। उसके बाद दूसरा हॉस्पिटल, हमारे आस पड़ोस में हॉस्पिटल भी होते हैं। आवर नेबरहुड ऑल्सो हैव हॉस्पिटल, डॉक्टर एंड नर्स वर्क एट हॉस्पिटल टू हेल्प द सिक फील बेटर। दे आर ऑल्सो टीच पीपुल हाउ टू स्टे हेल्दी। हमारे आस पड़ोस में जो हॉस्पिटल होते हैं, वहां पर बहुत सारे डॉक्टर काम करते हैं, बहुत सारे नर्सेस काम करती है, ठीक है, और उनका काम क्या होता है, तो वो वहां पर बीमार आए हुए लोगों का ध्यान रखती है, ख्याल रखती है, और साथ ही साथ यह भी गाइडेंस करती है, यह भी सिखाती है जो किस तरह से हम हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे आस पड़ोस में मार्केट भी पाया जाता है, मार्केट भी होता है, तो मार्केट आवर नेबरहुड ऑल्सो है मार्केट। देयर आर डिफरेंट शॉप इन द मार्केट। हमारे क्षेत्र में जो मार्केट होते हैं आस पड़ोस में, उनमें बहुत सारी दुकान होती है, अलग अलग चीजों का दुकान होता है, जैसे वेजिटेबल शॉप्स होता है, कॉस्मेटिक शॉप्स होता है, स्वीट शॉप्स होता है, बुक शॉप्स होता है, बहुत सारे दुकान अलग अलग चीजों का पाया जाता है। प्लेस ऑफ वर्शिप, हम लोगों के आस पड़ोस में पूजा करने का स्थान भी पाया जाता है। इवन एवरी नेबरहुड देयर आर प्लेस वेयर पीपल गो टू वर्शिप। दे सिंग एंड प्रे देयर, दे लर्न टू लव एंड हेल्प वन अनदर, पीपल एंजॉय देयर रिलीजियस फेस्टिवल। हमारे आस पड़ोस में जो भी पूजा करने का स्थान होता है, वहां पर हम लोग जाकर के वहां पर पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गीत गाते हैं, और वहां से हम लोग एक साथ किस तरह से प्यार भरे जीवन बिता सकते हैं, एक साथ किस तरह से रह सकते हैं, वो उनको वहां से सीखने को मिलता है। और साथ ही साथ वहां पर हम कुछ रिलीजियस फेस्टिवल भी मनाते हैं, कुछ त्योहार भी हम मनाते हैं। व्हाट शुड वी डू टू हैव ए गुड एंड क्लीन नेबरहुड। अगर हमको हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके सहायता से हम अपने आस पड़ोस को साफ और अच्छा रख सकते हैं। पहला, वी शुड नो आवर फैमिली फैमिली वे एंड शुड लव देम अनकंडीशनली। हमको चाहिए कि हमें हमारे आस पड़ोस जो भी परिवार रहते हैं,
जो हमारे फैमिली होते हैं उसके साथ हमको अनकंडीशनल बिना शर्त के जो है सो प्यार के साथ रहना चाहिए. वी शुड नाउ आवर नेबर्स वेल एंड टेक केयर ऑफ देम. हमको चाहिए हमारे आस पड़ोस में जो भी लोग रहते हैं उसको हम अच्छे से ख्याल रखें, उनके साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार करें. वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर. हमसे जो बड़े हैं हमें उनका रिस्पेक्ट भी देनी चाहिए, उनका इज्जत भी देना चाहिए. हमें जो छोटे हैं उनको हमारा प्यार देना चाहिए. वी शुड कीप आवर नेबरहुड क्लीन. हमको चाहिए हमारे आस पड़ोस को एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ रखना चाहिए. वी शुड ट्राई टू गार्बेज इन डस्टबिन. हमारे आस पड़ोस को जो भी कूड़ा कचरा वगैरह उसको हमको चाहिए जो डस्टबिन में ही जो है सो डाला जाए, इधर उधर ना फैले, इससे गंदगी फैलेगी. वी शुड प्लांट ट्रीज. हमको चाहिए जो हमारे आस पड़ोस में पेड़ पौधा लगाना चाहिए ताकि जो है सो वातावरण हमारा शुद्ध रह सके. वी शुड नॉट फाइट विद आवर नेबर्स. हमको अपने पड़ोसियों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए, हमेशा प्यार के साथ रहना चाहिए. वी शुड नॉट प्ले ऑन द रोड. हमको सड़क पे नहीं खेलना चाहिए. वी शुड इन्फॉर्म द पड़ोस अबाउट सस्पिशियस एक्टिविटी इन आवर नेबरहुड. अगर हमारे आस पड़ोस में किसी भी तरह का शक्की या शक के दायरे में जो होने वाला कार्य होता है तो हमें उसका इन्फॉर्म पुलिस को उसकी जानकारी देनी चाहिए. तो ये एक तरीका है जिसकी सहायता से हम अपने आस पड़ोस को साफ स्वच्छ रख सकते हैं. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. धन्यवाद.